आपका स्वागत करता हूं। इस खास कार्यक्रम में हम देश और प्रदेश की किसी खास खबर को पत्रकारों की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है विवादों में विधान भवन। हम इस पर आगे बढ़े उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश विधानसभा का आलीशान भवन वास्तु दोष का शिकार है? क्या इस वास्तु दोष की कीमत विधायक अपनी जान देकर चुका? विधानसभा के नए भवन का निर्माण 1996 में हुआ था, तब से अब तक 31 विधायकों की मौत हो चुकी है। इन असामायिक मौतों को लेकर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्ग ने भी नए विधानसभा भवन में वास्तु दोष की बात कही थी। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश गठन से लेकर 1996 तक राज्य विधानसभा भोपाल स्थित मिंटो हॉल में संचालित होती रही। बाद में चार्ल्स कोरिया ने नई विधानसभा का डिजाइन तैयार किया, लेकिन यह भी संयोग है कि नए भवन में विधानसभा की गतिविधियां शुरू होने के साथ ही विधायकों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि उस समय से आज तक किसी न किसी रूप में इस भवन की डिजाइन को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी वास्तु दोष की चर्चा रही तो कभी असामायिक मौतों को लेकर कई बातें सामने आईं। वहीं वास्तु दोष खत्म करने के लिए पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान भी किए गए, लेकिन असामायिक मौतों के रहस्य से पर्दा उठने में नाकाफी रहे हैं। देखा आपने, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को लेकर ये तमाम आरोप लगते रहे कि यहाँ का वास्तु दोष गड़बड़ है। 1996 में इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया था और उसके बाद जो हमारे पास आंकड़े 1998 से आज तक के आंकड़े हैं, 31 विधायक असामयिक मौत का शिकार हुए हैं और इस संबंध में कई बार ये मुद्दा उठा है कि कहीं ना कहीं ये वास्तु दोष है। तत्कालीन स्पीकर श्रीनिवास तिवारी ने वास्तु दोष को दूर करने के लिए यज्ञ और हवन भी कराए थे। इसके अलावा पिछली बार जब नेता प्रतिपक्ष सदैव कटारी की मौत हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था कि इस तरह लगातार विधायकों की मौत होना एक चिंता का कारण भी है और क्या इसमें वास्तु दोष वाकई कारण है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अग्निवाड़ के एडिटोरियल डायरेक्टर राजेश सरोडिया जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य और लेखक पत्रकार अरविंद तिवारी जी, पंडित अरविंद तिवारी जी, और न्यूज़ वर्ल्ड चैनल के एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। सबसे पहले पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अरविंद तिवारी जी, आपने पूरे विधानसभा का वास्तु दृश्य देखा है, चेक किया है, आपका कहना है कि एक एक कॉर्नर आपका देखा हुआ है, क्या वाकई वास्तु दोष विधानसभा में है या इसे लेकर केवल चर्चा है, अफवाह है, या इसे केवल एक भ्रम बना के रखा गया है? रविंद्र भाई, मैंने पूरे मध्य प्रदेश विधान भवन को एक एक कोने को बहुत तरीके से देखा हुआ है और मैं आपको बताऊं, ये पूरा विधान भवन, देखिए सबसे पहले तो इसका जो दरवाज़ा था वो दक्षिण मुखी था, तो वहाँ चूंकि प्रवेश द्वार ही जब आपका ख़राब होगा तो कैसे आपका विधानसभा भवन ठीक हो सकता है। फिर बाद में चूंकि बहुत सारी मौतें हुई और बहुत चर्चाएं हुई, चूंकि मुझे भी एक बार चर्चा के लिए बुलाया गया था विधानसभा भवन में, तो मैंने भी उनको यही सुझाव दिया था कि मैंने कहा सर, इसमें एक तो सबसे पहले प्रवेश गेट को लेकर बहुत सारी समस्या है, ब्रह्म स्थान को लेकर बहुत सारी समस्या है, सबसे बड़ी बात चूँकि पूरा नैऋत्य कोण जो कि दक्षिण पश्चिम का जो इलाका होता है ये पूरा खुला पड़ा हुआ है,
ये जब तक भारी नहीं होगा, ये जब तक पैक नहीं होगा, ये विधानसभा भवन किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं हो सकता। निसंदेह चार्ल्स कोरिया साहब ने विश्व स्तरीय इस भवन को बनाया है, परंतु इतने ज़्यादा वास्तुतोष होंगे तो यहाँ पर ना आप जैसे ही उस विधान भवन में आप प्रवेश करेंगे वैसे ही आपका सर भारी होने लगता है। माने वहाँ पर इतना वास्तुदोष है, मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। मैंने बहुत सारे मित्रों से चर्चा की तो उसमें सभी मित्रों का यही कहना है, चूंकि इसमें दोष होने के कारण लगातार विवाद बना रहता है और कोई भी उच्च कोटि का कार्य यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाया। राजेश जी, आपने देखा, पंडित जी का भी कहना है कि वो वास्तु दोष उसमें है, उन्होंने चेक भी किया हुआ है, लेकिन इस बार जो 2013 में इलेक्शन हुए थे और अब 2018 तक हमारा कार्यकाल है, इस वक्त 8 विधायक असमय मौत हुई है। प्रभात पांडे, राजेश यादव, तुकोजीराव पवार, सज्जन सिंह उइके, राजेंद्र दादू, सत्यदेव कटारे, प्रेम सिंह और अभी कल महेंद्र सिंह कालूखड़ा। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये लगातार जो मौतें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये वास्तु दोष है या कोई और कारण है? देखिए, जहाँ तक मौतों का सवाल है, जो मौत हुई है वो उसका असामयिक मौत तो सिर्फ एक राजेंद्र दादू की हुई थी, ये सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो संख्या है, जो पिछली विधानसभा जो मिंटो हॉल में जहाँ विधानसभा लगती थी, इसमें भी विधानसभा का आकार प्रकार भी बड़ा था, 320 विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे तब, इतना मतलब जो मौजूदा विधायकों के निधन का आंकड़ा इस तरह नहीं रहता था, तो ये कुछ ना कुछ एक तरह से संदेह पैदा करता था। मैं बहुत ज़्यादा वास्तु का जानकार नहीं हूँ, ना उसका बहुत ज़्यादा समझ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी भवन में आप कभी जब जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी फील होती है, अनुभूतियाँ होती हैं, तो यहाँ थोड़ा प्रतिकूल सी अनुभूतियाँ होती हैं, इसके अंदर घुसते ही तनाव सा दिखता है। जैसे आप कभी नर्मदा किनारे जाएं होशंगाबाद में तो जाके आपको एक फील लगने लगता है, उज्जैन शहर में प्रवेश करते ही छिपरा में आपको अच्छा फील होने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो फील नहीं होता, एक अदृश्य सा तनाव जो है लोगों के उस पर रहता है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना क्या है। लेकिन एक बात और रहती है, अगर सारी चीज़ें आप इसको एक तरफ भी रख दिया जाए वास्तु को, तो भवन जिस तरह से बनाया गया है उसमें उपयोगी पार्ट जो है वो कम है, अनुपयोगी पार्ट ज़्यादा है, वो अननेसेसरी जो है वहाँ पर इतना कर दिया गया, उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप देखते हैं सारा, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो मिंटो हॉल था, जब 320 के विधायक जब चल सकते थे, जब वो बन रहा था तब तो मैंने इस बारे में लिखा भी था कि जब 230 विधायक ही बचे हैं तो क्यों आप इसको कुछ और बना दीजिए, कोई इंटरनेशनल सेंटर, और मिंटो हॉल को अच्छे से नए स्वरूप में बना के वहीं पर विधानसभा आप कर दीजिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, और वो बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ, और जैसा बता रहे हैं कि एक तरफ बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में खुला हुआ है, वो कुछ अच्छा फील नहीं आता वहाँ पर। बाकी अब ये तो किसी का जिंदा रहना नहीं रहना ईश्वर की मर्जी होती है, कौन कितना जीता है कितना क्या, लेकिन अच्छी फीलिंग नहीं होती, ये बात सही है। रिजन भाई, आप से चर्चा भी हो रही थी सुबह, और क्या आपको लगता है कि वास्तु, जिसे विज्ञान कहा जाता है, वास्तु इन मौतों का कारण है बहुत बड़ा, आपको लगता है ऐसा? देखिए रविंद्र जी, किसी भी मौत का कारण वास्तु है या कुछ और है इसे हम तय नहीं कर सकते, इसलिए मौत बीमारी से भी होती है, असामयिक भी होती है, और किसी विधायक की मौत होती है या किसी और की मौत होती है, बहुत से मौतें होती हैं। जब हम विधायकों पर इस तरह से इसका आकलन करते हैं तो हमें वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का भी आकलन करना चाहिए, उसमें भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उनका क्या आंकड़ा है ये अधिकृत आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं समझ में आती। पंडित जी ने अगर उसका उनको एक एक कोण उन्होंने देखा है तो हो सकता है वहाँ देखा हो, विधायकों के साथ ही ऐसा होता है, मंत्रियों के साथ कम होता है, नेता प्रतिपक्ष दो दो उसमें असामयिक काल कल्पित हो गए, एक विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें नहीं रहे, तो इस सब चीज़ों से ऐसी चर्चाओं को, ऐसी बातों को बल तो मिलता है, लेकिन अगर हम धार्मिक आधार पर ही, जो धार्मिक मानता है वास्तु भी एक तरह से उन्हीं आस्थाओं का प्रतीक है, तो अगर हम विज्ञान तो है ही लेकिन वो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो धार्मिक कोई भी मैथोलॉजी हो, कोई भी धर्म हो, उसमें यह है कि जीवन और मृत्यु जो है वो अंकित है किसी एक पुस्तक में, किसी एक रजिस्टर में, किसी एक जगह अंकित है, और वो जीवन मरण जो है वो उसी आधार पर होगा, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर बहुत अधिक, हाँ ये अलग बात है कि वो उसमें कितनी जगह
ज़रूरत की है, कितनी जगह ज़रूरत की नहीं है, ऐसी बहुत ढेर सारी चर्चाएं हो सकती हैं और कई तरह के अनुष्ठान भी हो चुके हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन उन अनुष्ठानों का भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये वास्तविक रूप से है क्या और क्या ये चर्चा भी हमें करनी चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, चर्चा भी करना भी चाहिए और अनुष्ठानों का कोई लाभ नहीं हुआ। पंडित जी, अभी आपने देखा रिजवान भाई का कहना है कि अनुष्ठान किए गए पंडित के बताए अनुसार ही किए गए होंगे, जो वास्तुविद है उन्होंने बताए उसके अनुसार किए गए होंगे, उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ। और ये भी सवाल है कि वहां काम करने वाले अन्य बहुत ढेर सारे लोग निश्चित तौर पर जो और दूसरा स्टाफ है उनके साथ में घटनाएं ऐसी नहीं होती है और विधायकों के साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो पंडित जी, आपको क्या लगता है इसका क्या हल क्या है, जब अनुष्ठान के बाद भी विधायकों की मौत नहीं रुक रही है? और दूसरा, क्या इसको वास्तव में स्वीकार किया जाए सरकारी स्तर पे कि ये केवल वास्तु के कारण हो रहा है? क्योंकि देखिए, सरकार अपने किसी भी धर्म से ऊपर उठ के चलती है, क्या सरकार को बाकी इसको स्वीकार करना चाहिए और कर सकती है क्या सरकार ऐसा? देखिए, मैं पहले रिजवान भाई के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, विधानसभा भवन जो बना हुआ है वो केवल वहाँ पर, चूँकि सरकारी कामकाज सबसे ज़्यादा होता है और सरकारी कामकाज के लिए हमको दो पक्षों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला पक्ष होता है पक्ष और दूसरा होता है प्रतिपक्ष। चूँकि दोनों लोगों के सम्मिश्रण से वहाँ पर एक शासन की प्रक्रिया वहाँ पर चलाई जाती है। चूँकि लगातार, चूँकि मृत्यु 1998 के बाद से बहुत तेज़ी से आंकड़ा बढ़ा, पहले तो वहाँ पर इस बारे में चर्चा भी कभी नहीं हुई। लोगों ने यही उसमें मंतव्य बनाए कि बहुत सारी जो विधायकों की मृत्यु हुई है वो एक उनका संयोग रहा होगा, लेकिन जब जब लगातार बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ती गईं तो उसके बाद वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे, चाहे वो ईश्वरदास रोहाणी साहब हों या सीताशरण शर्मा साहब हों, लगातार सबके सम्मुख ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर केवल विधायकों की, चूँकि वहाँ पर कुछ अधिकारियों की भी मृत्यु हुई और कुछ वहाँ पर जो काम करने वाले सदस्य थे उनकी भी मृत्यु हुई, चूँकि वो सभी लोग एक दूसरे से रिलेशन को रिलेटेड थे। तो बात आई कि भाई वास्तु दोष इसका दूर किया जाए, लेकिन वास्तु दोष बाकी दूर करने की जगह उन्होंने केवल इतना सा उपाय वहाँ पे किया कि केवल द्वार, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी द्वार था, उसको वहाँ से परिवर्तित करके एक नया रास्ता आगे से निकाल के उसको जो है उन्होंने पूर्व की तरफ से खोला, लेकिन वो द्वार पूर्व की तरफ से नहीं है। चूँकि रास्ता जब भी आप प्रवेश करोगे तो वो आता आखिर दक्षिण द्वार से पूर्व की तरफ है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो वो दरवाज़ा जो है वो नैऋत्य कोण की तरफ खुलता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। मैंने पिछली बार भी बतलाया था किसी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में कि भाई आप देखिए, जब तक आप, वास्तु एक साधारण विज्ञान है जो कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वास्तु का अर्थ होता है कि एक सामान्य मनुष्य, जैसे आप स्वयं हैं, आपके हाथ किस प्रकार से काम करेंगे, आपके पैर किस प्रकार से काम करेंगे, आपके उदर यानी ब्रह्म स्थान में क्या परेशानियां होंगी, ये केवल उससे जुड़ा हुआ है ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और स्वस्थ तरीके से काम करें। ठीक उसी स्वरूप में विधानसभा के बारे में बात हुई, विधानसभा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि आप इसको ठीक कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पूजा पाठ हुआ और हवन हुआ, ना तो वास्तु दोष के लिए कोई पूजा हुई और ना ही वहाँ पर वास्तु को ठीक करने के बारे में कोई निर्णय उन्होंने अभी तक लिया है। राजेश जी, जैसा कि आपको मालूम है कि चार्ल्स कोरिया ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और चार्ल्स कोरिया खुद वास्तु के जानकार रहे होंगे क्योंकि दुनिया के माने हुए वास्तुकार थे। ये जो वास्तु है वो केवल हिंदुओं में नहीं है, लगभग अब सभी मानते हैं और ये भी माना जाता है कि वास्तु एक साइंस है, एक विज्ञान है। तो आपको लगता है कि चार्ल्स कोरिया से भी इसको निर्माण में कहीं ना कहीं गलती हुई है? और दूसरा, क्या राज्य सरकार इसे मानकर एक व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता आपको महसूस होती है कि पूर्व की पूरा सदन में, जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि द्वार दक्षिण की तरफ से घुसता है, यदि सीधा पूर्व में एंट्री हो तो शायद इस सब चीज़ों को करना आवश्यक यदि महसूस होती है, तो क्या राज्य सरकार करेगी ऐसा? क्या करेगी, इसका निर्णय तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट के सदस्य करेंगे। ऐसे पत्रकार क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए? मैंने पहले कहा, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब ये भवन बना था तो मैंने कहा था इसको मतलब भोपाल में कोई अच्छा कन्वेंशन सेंटर नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा का भवन है उसके लिए जितनी जगह दी गई है, जिसका निर्माण क्षेत्र है उसका और जितना विधानसभा के लिए यूजफुल जो है सेक्रेटरीट विधानसभा का और विधान भवन और उसके बाद में जो आपका एक विधान भवन है, एक विधानसभा भवन है और एक हॉल है, इन सब चीज़ों को बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से भी बनाया जा सकता था। आप देखेंगे अगर पार्लियामेंट एनेक्सी में आप जाके देखेंगे लोकसभा की, या आप कर्नाटक विधानसभा का भवन देखेंगे, या आप जाके केरला का विधानसभा भवन देखेंगे, बहुत सारे विधानसभा भवन हमने देखे हैं और बहुत अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट। अपने लोकसभा को ही देख लीजिए, जहाँ तो 540 और 246 सदस्य का वो कितनी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग है और उसमें आपको पता भी नहीं चलता सारा
ठीक है, आपको लगता होगा नए दौर के हिसाब से उतनी आलीशान सुविधा नहीं है, उतनी प्रेस गैलरी नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए प्रेस गैलरी में कहाँ ऊपर टांग दिया, वो आपको भी मतलब एक कम्युनिकेशन भी नहीं होता, एक एनर्जी लेवल भी नहीं है, और नेगेटिव एनर्जी तो दिखती है, मतलब एक आदमी को अपने जहाँ जाके अच्छा फील होना चाहिए वो नहीं होता। मैं तो इतना जानता हूँ कि आदमी को कहीं किसी से मिलता है, अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिविटी है तो आपको उससे मिलकर खुशी हो जाती है, दिल आपको खुश हो जाता है, आप खुद रिचार्ज होने लगते हैं। कई इतने नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं कि उनके सामने आप जब मिलते हैं तो आप खुद अपने आप को डल महसूस करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तो होती हैं, और दिशाओं और उन सारी चीज़ों के हिस्से इसके बहुत पुराने अध्ययन रहे हैं और उनका भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुआ है नए साइंटिफिक उनके साथ में, और ये तो पता है कि पूरी दुनिया एक मैग्नेटिक फील्ड पर टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें असर करती हैं कुछ नहीं करती। लेकिन पंडित जी ने जैसा बात कहा कि अब उसका वास्तु तो अब चूँकि वो डिजाइन जो है कोरिया साहब बना के चले गए, अब उस डिजाइन के साथ में छेड़छाड़ कौन करे, समस्या ये है कि उसको क्या कर क्या सकते हैं, उसमें गुंजाइश ही बहुत कम है करने की, और करने के लिए फिर आपको कोई नए चार्ज कोरिया लाना पड़ेंगे जो क्योंकि वास्तु की समझ रखते हों या वास्तु की वो मानते हों सब कुछ। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जो पुराना मिंटो हॉल भवन है उसी को तोड़ के आप तो बना दिया, वहाँ 21 साल हो गए सलाह, अब आप वहाँ कन्वेंशन सेंटर बना रहे हो, जहाँ एक बना बनाया कन्वेंशन सेंटर आपका हो सकता था उसको आपने विधानसभा भवन के रूप में रखा हुआ है। रिजवान भाई आपने देखा होगा, मैं एक मिनट रिजवान भाई से जानना चाहूंगा, रिजवान भाई आपने देखा होगा जब नेता, एक मिनट इनसे सुन ले फिर उसका जी। हाँ पंडित जी, ये कह रहा था कि किसी नए चार्ल्स कोरिया को लाने की आवश्यकता नहीं, मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया था, कुछ नहीं करना उनको, कुछ पेड़ जो है, देखिए बाउंड्री को आप यदि आप उस स्वरूप में ले, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारे घर की जो चार दीवारी है वो भी वास्तु से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, और उसमें आपको किसी को लेके आने की आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना सा कर दें कि जो दक्षिण और पश्चिम का इलाका है वहाँ पर आप बढ़िया पाम ट्री लगवा लें जो कि एक साल में बढ़कर ऊँचे हो जाते हैं, तो स्वतः दक्षिण ऊपर हो जाएगा और उत्तर नीचे हो जाएगा, तो आपको मैं बताऊँ उसका बहुत बड़ा वास्तु दोष, कुछ नहीं करना, कुछ हज़ार रुपये खर्च करके ही पाम ट्री वहाँ पर लगवा। पंडित जी आपने कभी बात की क्या विधानसभा स्पीकर से या राज्य सरकार के किसी व्यक्ति से इसको, इस संबंध में आपकी कोई चर्चा हुई किसी से? आपकी तो मुख्यमंत्री भी सुन लेते हैं, सर मैंने दक्षिण की तरफ है उसमें, या आपने दी सलाह दी हो या आप सलाह देने वाले हों, क्योंकि मैंने 31 विधायक बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। मैं आपको बताऊं रविंद्र भाई, रिजवान भाई, मैंने चूंकि दो बार संसदीय कार्य मंत्री साहब को ये बतलाया था, मैंने कहा कि सर इसमें बहुत बड़ा वास्तु दोष है, और इसको मेरे ख्याल से जिस समय वृक्षारोपण होते हैं सारे विधायकों को बुलाकर भी आप एक एक वृक्ष भी लगाएंगे तो वो पूरा लाइन से जो वृक्ष लगेंगे और उससे पूरा दक्षिण उठ जाएगा, बीच का पोर्शन पूरा जो खाली है जहाँ पर और दिक्कत है वहाँ पर बहुत सुंदर आजकल आर्टिस्टिक चादर्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बड़े तरीके से ढका जा सकता है, और जहाँ खासतौर से ब्रह्म स्थान में जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं उसको आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आजकल चादर के पिरामिड्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप तरीके से आप ढांक दें वो इस इतना बढ़िया, जैसे एक लोटस टेम्पल, आप कभी लोटस टेम्पल को आप ध्यान से देखने जाएं वहाँ वो भी तकरीबन जो है जैसे चार्ल्स कोरिया साहब ने हमारे यहाँ का डिज़ाइन किया उससे उन्होंने कुछ चीज़ों को लिया हुआ है, उसकी कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल कर ले कुछ हज़ारों कुछ लाखों रुपए में, मैं आपको बताऊँ बहुत आसानी से, यदि मेरे को जिम्मा दिया जाता है तो मैं कुछ लाख रुपये में वहाँ का वास्तु दोष बहुत आसानी से अवश्य दूर कर सकता हूँ। रिजवान भाई मैं आपसे यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट करके कहा था कि कहीं ना कहीं लगातार जो मौतें हैं उसके पीछे वास्तु दोष की संभावना हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता की भी बात को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए शायद लिया नहीं गया, क्या समझते हैं कि क्या उनकी गंभीरता से लेकर देश के जाने माने वास्तुविदों को बुलाकर दिखाना चाहिए, क्या ऐसा लगता है आपको? सामान्य रूप से हम भी चर्चा कर रहे हैं, आशंका के तौर पर ही चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा का आधार भी आशंका ही है, तो किसी ने क्या आशंका व्यक्त की है उस पर कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था कितनी नहीं, मेरा फिर वही मेरा वो है कि मृत्यु जो है अगर हम धार्मिक आधार पर भी इसे समझें तो मृत्यु किसी वास्तु या किसी ऐसी चीज़ जिस दिन जन्म होता है उसे दिन तय है, वो अगर हम धार्मिक आधार पर कहें, लेकिन साइंटिफिक आधार पर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उसके बहुत से तर्क हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो हम उस पर ना जाते हुए इस चर्चा पर, लेकिन क्या कोई सरकार उसे बहुत हद तक इस तरह की विश्वास अंधविश्वास
बड़ी महीन लेखा बारीक रेखा है उनके बीच में, तो क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है, उसे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत तरह के सवाल। और इन्हीं सवालों के बीच में जैसे राजेश भाई कह रहे हैं इन्हें जब वो अंदर प्रवेश करते हैं हाँ तो नेगेटिविटी महसूस होती है। लगभग जितने साल से राजेश भाई जा रहे हैं, जितने साल से आप जा रहे हैं, उतने साल से मैं भी जा रहा हूँ, मैंने महसूस नहीं किया। मैं मुझे तो बड़ा अच्छा सा लगता है वहाँ, एक ऐसा फील होता है कि ये कितने बड़े भवन में मैं आ गया, मध्य प्रदेश जैसी जगह पर इतना बड़ा भवन। हाँ, फजूल खर्ची मुझे उस पहले भी महसूस होती थी, आज भी महसूस होती है। दिखावे के लिए ऐसा प्रदेश, बीमारू प्रदेश, उसमें दिखावे के लिए इतना बड़ा भवन बनाया गया, ये एक ऐसी चीज़ें की गई, उस पर आपत्ति मेरी पहले भी थी। लेकिन कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए तो मैं मध्य प्रदेश के भवन की का जिक्र कर सकता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़ा भवन है और बहुत बहुत ही वास्तु के दोष के हिसाब से, वास्तु लेकिन वास्तु कला के हिसाब से, वास्तु वास्तु शिल्प के हिसाब से तो वो बहुत ही शानदार बना है। तो वो एक सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं और आशंकाएं हैं, बहुत तरह की आशंकाएं हैं। तो जब घर में सांप घुस जाता है तो हमें जब बहुत तरह की आशंका होती है तो हम उसके कई निवारण के उपाय करते हैं। तो सबको अपने अपने ढंग से कर लेना चाहिए, किसी सरकार पर मोहताज होकर करें तो किसी का भी, किसी विधायक को किसी ने मना नहीं किया होगा कि वहाँ जाकर वृक्ष लगा ले, ऐसा ही कि कोई उपाय कर ले, सब लोग अपने अपने ढंग से कोई चीज़ करें। कोई पक्का कंस्ट्रक्शन किसी को करना नहीं है और अगर किसी के मन में कोई आशंका है तो उसको करना चाहिए, लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसी चीज़ें हों इसको मैं प्रोत्साहित करता हूं। विधान भवन है इंदिरा गांधी विधान भवन, उसमें कोई सबसे अच्छा आपको चीज़ दिखती है जो वास्तु की दृष्टि से सबसे अच्छा हिस्सा हो? जैसे जहाँ से मुख्यमंत्री जी प्रवेश करते हैं उनका अलग द्वार है, वहीं लिफ्ट लगी हुई है, वो उत्तर में खुलता है, बाकी ये पूरा पश्चिम कर दिया गया है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का द्वार, स्पीकर का द्वार बिल्कुल अलग किया हुआ है, स्पीकर का पूर्व की दिशा है वो। देखिए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरी मैं अनौपचारिक चर्चा किसी से हुई थी, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उनका यही कहना था कि साहब ये द्वार इस तरह से रखे गए हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हो और माननीय स्पीकर साहब को, बाकी किसी का कुछ होता हो तो उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। और जिसको जो तो माननीय स्पीकर और माननीय स्पीकर दोनों चलती विधान, पंडित जी और हमारे पत्रकार साथी, हम तो पंडित जी भी और लेखन भी लगातार उनका इस वास्तु पे चलता है। मैं ये एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, जैसा रिजवान भाई ने कहा है कि जन्म के समय ही मृत्यु तय हो जाती है, इसके अलावा भी रविंद्र भाई एक बात कि अगर जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के हित को देखकर और मुख्यमंत्री के हित को, तो विधानसभा अध्यक्ष अगर 13वीं विधानसभा की हम बात करें तो दोनों नहीं रहे, उस अपने कार्यकाल के दौरान ही दोनों का निधन हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ें जो भी हैं अगर इनको आप कुछ बता पाए हमें तो। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ उसमें, माननीय स्पीकर साहब और माननीय जो नेता डिप्टी स्पीकर साहब और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष। देखिए ईश्वरदास रोहाणी साहब की तो निसंदेह कुंडली भी खराब थी क्योंकि शनि का प्रभाव उनके ऊपर था, वो भी एक कारण। हरवंश सिंह चूंकि कर्क राशि के जातक थे और शनि का उनके ऊपर अशुभ गोचर चल रहा था तो वो भी एक कारण था, क्योंकि मेरे पास इनकी कुंडलियां भी हैं इसलिए मैं और बेहतर तरीके से बता पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि ओवरऑल जब भी आप किसी भी प्रमाइसिस में प्रवेश करते हैं तो उसका एक ही द्वार होता है, भले ही आप अपने यहाँ प्रवेश करने के अलग अलग द्वार अपने हिसाब से तय जरूर कर लें कि भाई हमको अपने घर में, जैसे मास्टर बेडरूम है, कोई घर का मालिक है उसका सबसे अच्छा कमरा और सबसे अच्छा द्वार रखा जाता है, तो उस तरीके से उन्होंने द्वारों की व्यवस्था की भाई सीएम साहब के लिए एक प्रवेश द्वार हो, माननीय स्पीकर साहब के लिए एक प्रवेश द्वार हो, लेकिन प्रवेश द्वार तो अल्टीमेटली एक ही है। और आप देखिए कि उस प्रवेश द्वार के चलते सारे लोग परेशान हुए। दूसरा सबसे बड़ी बात, वो ब्रह्म स्थान जहाँ पर उस डोम के अंदर जो पूरी विधानसभा बनी हुई है, जहाँ पर बैठ के आप सारे प्रदेश के भविष्य को आप तय करते हो, उसमें कितने सारे वास्तु दोष हैं। बैठक व्यवस्था आप सोचिए कि जहाँ पर बहुत सारे मंत्रीगण बैठते हैं, कुछ ऐसी सीट्स चिन्हित हैं जिन सीटों पर यदि कोई आदमी बैठता है तो आप देखिए कि उसके साथ कुछ ना कुछ घटित अवश्य होता है। तो ये उस विधानसभा में है। और हम लोग आज बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक जमाने में एक ही थे, आप छत्तीसगढ़ को उठा के देख लें तो वहां इतने विधायक नहीं मरे जितने विधायक मध्य प्रदेश में मरे, और भी विधानसभाओं को उठा के देख लें तो वहां इतना लगातार निधन नहीं हुए।
निसंदेह इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मृत्यु और जन्म ये ईश्वर के हाथ में है और वो पहले ही पूर्व निर्धारित कर देता है कि आप इस समय और इस घड़ी में आपको ईश्वर के घर में जाना है, वो अपने आप में बिल्कुल निश्चित है। लेकिन कई चीज़ें बहुत असामयिक होती हैं कि आप पानी पीते पीते चलते चलते, चूँकि आपको अपनी आयु पूर्ण करना चाहिए, आप अपनी आयु पूर्ण ना करते हुए एक अपनी अल्प आयु में आप निधन को प्राप्त हो जाएं और बहुत असामयिक रूप से हो जाएं, जबकि इलाज के आपके पास इतने संसाधन उपलब्ध हों जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी, उसके बाद भी आप चले जाएं, तो ये अपने आप में दुखद है और विचारणीय अवश्य है। निश्चित तौर पर ये एक विचारणीय मुद्दा है और सभी अतिथियों का ये कहना है, सभी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। हमारे रिजवान भाई का जरूर कहना है कि राज्य सरकार को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उस भवन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजेश जी का कहना है कि काफ़ी निगेटिविटी है। पंडित जी का कहना है कि वास्तु दोष को बहुत ही कम कीमत पर आसानी से दूर किया जा सकता है, आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। आप तीनों अतिथि हमारे बीच में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।